ਦਨੀ ਪਾਗਾਰੋ ਅਜ ਆਇਓ ਪੁਰਬ ਕਰੇ ਤਾਜ ਦਨੀ ਪਾਗਾਰੋ ਅਜ ਆਇਓ ਪੁਰਬ ਕਰੇ ਤਾਜ ਦਨੀ ਪਾਗਾਰੋ ਅਜ ਆਇਓ ਪੁਰਬ ਕਰੇ पुनल जडे पचियो बूंद वसाई बरबर पुनल जडे पचियो खूब खिलन बटन था खूब खिलन बटन था खूब खिलन बटन था जा तो फिरी तो गुजरे ताज दनी पागारो अज आयो पुरब करे खूब किल खूब किल हुकूमत आएगी उसको ये सूबे को बहाल करना पड़ेगा करना पड़ेगा। साहब आपने ये अभी फरमाया कि अगर इलेक्शन हो गए तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, कोई ऐसी वजह नजर आ रही है? मेरे भाई पहले तो मैं कहता था इलेक्शन हो ही नहीं रहे, लेकिन जब वो डॉक्टर साहब ने ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया इस्लामाबाद में तो मियां साहब ने नवाज शरीफ साहब ने जितनी अपोजिशन है उसकी मीटिंग कॉल कर ली। वो अपोजिशन तकरीबन सब अपोजिशन जितनी थी सिवाय इमरान खान एमक्यूएम और ये पीओस पार्टी के अलावा सब पहुंच गए। तो जब सब पहुंच गए उधर जो कि तवक्को नहीं थी उस वक्त मैंने कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि रास्ते 50% इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर ये जो आप हालात देख रहे हैं फ्रंटियर के हालात जिसको अभी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, बलूचिस्तान के हालात, अब सिंध के हालात देख लें, पूरा सिंध दो दिन से बंद है, तो यही हालात रहे तो आप कहाँ से इलेक्शन करोगे, कहाँ आप इलेक्शन के लिए जलसा जुलूस रैली कहाँ से निकालोगे भाई, इलेक्शन वर्क कौन करेगा? तो
क्या फौज को देख रहे हैं आपका वो सब? जो भी है खुदा करे अब इस मुल्क को बचाए, आखिरी स्टेज पे हम लोगों ने पहुंचा दिया इस मुल्क को, मुल्क में बचा के जो दूसरी हुकूमत भी आएगी वो इस मुल्क को चलाएगी कहाँ से, इस हुकूमत ने पूरा कर दिया। जो वो बात कर रहे हैं वो हमारे दिल की बात है, कर्म करना पसंद चाहिए। मुल्क को लूटा गया है वहाँ तक उनको लुटा जा रहा है, लेकिन वो आए फिर एकदम धरने में बैठ गए, उसके बाद एक एक चीज से आहिस्ते आहिस्ते चढ़ने लग गए, फिर वोट में गए, वोट के बाद फिर हुकूमत के साथ उनकी बातचीत हुई है, जो अब हुकूमत कह रही है वो मान के चले जा रहे हैं। इलेक्शन हालात नहीं है कि आप एक साल आगे हैं, आपकी जो सोच है मैं इस्तेमाल करता हूँ कि अपोजिशन में बैठना पसंद करूँगा, एक दफ़ा जब कोई छोड़ के अलग हो जाए, कौन से चेहरे और कौन सी आँख के साथ जाके फिर आता है। थैंक यू सर।